इस लोकसभा चुनाव के दौरान भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर लगातार नजरें बनी हुई थी। यह मुकाबला बीजेपी से चौधरी धर्मवीर सिंह और कांग्रेस से राव दान सिंह के बीच में रहा। इस मुकाबले में पहले किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी का नाम चर्चा में रहा, लेकिन श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिली। हालांकि किरण चौधरी ने अपनी बेटी को टिकट दिलवाने के लिए भरपूर कोशिशें की, लेकिन वो नाकामयाब रही। तो इन चुनावों के दौरान गाहे बगाहे किरण चौधरी की नाराजगी भी सामने आई। किरण चौधरी ने यह भी बयान दिया कि राव दान सिंह ने उन्हें किसी भी प्रचार में नहीं बुलाया और उन्हें कोई फोन नहीं किया गया। तो वहीं राव दान सिंह को भूपेंद्र हुड्डा खेमे का नेता माना जाता है। तो यहां से ये देखना भी दिलचस्प रहा कि इस सीट का रिजल्ट क्या होगा, क्या यहां से भीतरघात हो सकता है। अब भिवानी जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र का हिस्सा पड़ते हैं। इनमें तो शाम कांग्रेस नेता किरण चौधरी और पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल का गढ़ माना जाता रहा है, जबकि लोहारू से बीजेपी के विधायक जयप्रकाश दलाल इस समय सूबे के वित्त मंत्री हैं। कांग्रेस की महिला नेता किरण चौधरी के गढ़ में बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब रही, जबकि जेपी दलाल के गढ़ में कांग्रेस बढ़त बनाने में कामयाब रही। बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह को लोहारू से 63,890 वोट मिले, जबकि यहां रावदान सिंह को 72,209 वोट मिले। बीजेपी को यहां से 8,319 मतों से पिछड़ना पड़ा, जबकि लोहारू विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ था। ज्यादा मतदान का नुकसान बीजेपी प्रत्याशी को ही माना जाता रहा था। नतीजों ने यह भी साबित कर दिया कि इसी तरह तोशाम विधानसभा क्षेत्र से किरण चौधरी विधायक हैं और यह किरण चौधरी का गढ़ भी है, तो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी ने सेंध मारी की। तोशाम से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह को 73,187 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के राव दान सिंह को 65,124 वोट मिले। यानी तो शाम से बीजेपी कैंडिडेट को 8,063 वोटों की बढ़त मिली। तो कह सकते हैं कि तोशाम में बीजेपी प्रत्याशी को फायदा हुआ और ये भी कह सकते हैं कि अब किरण चौधरी पर कई सारे सवाल उठेंगे। कहा जाता रहा है कि इस चुनाव में श्रुति चौधरी को टिकट ना देकर यहां से किरण चौधरी को टिकट देने का ऑफर किया गया था, लेकिन किरण चौधरी ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। सियासी गलियारों में ये भी रहा कि भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा चुनाव में सीएम बनने का रास्ता साफ कर रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस के तमाम दिग्गजों को अलग अलग टास्क दे रहे हैं। अब जेपी दलाल के गढ़ में कांग्रेस जीती, तो वहीं किरण चौधरी के गढ़ में बीजेपी जीती। तो कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों की ओर से अपने ही नेताओं के गढ़ में अपने प्रत्याशी के पिछड़ने पर सवाल जवाब किए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के भीतर किरण चौधरी के लिए ये चुनाव चैलेंज पर चैलेंज देता रहा। अब किरण चौधरी के सामने एक और अग्नि परीक्षा खड़ी है। अब देखना होगा किरण चौधरी की सियासत किस मोड़ पर नजर आती है और जेपी दलाल से जो सवाल जवाब होंगे उनका क्या निचोड़ निकल कर सामने आता है। आपका क्या सोचना है, राय रखें। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।